हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस आज है 3 जून और बहुत ही एक सैड न्यूज है कि मेरी जो लद्दाख राइड है वो पोस्टपोन हो गई है 2-3 दिनों के लिए। वो क्या कारण है एक्चुअली, लिफ्ट खुल गए, सारा कुछ रेडी था लद्दाख के लिए, मैंने सारा सामान भी पैक कर लिया था जो कि दूसरे घर में है, और मैं आज अचानक अपनी बाइक के पास पहुंचा तो वहां पे दो चीज़ें मुझे नज़र आई अपनी बाइक में। एक तो मेरी बाइक में से साउंड आ रही है और मेरी जो फ्रंट ब्रेक जो होती है डिस्क ब्रेक, उसकी जो वायर है वो बिल्कुल क्रैक हो गई है, जिस कारण अब ब्रेक नहीं लग रही है। तो एक ये नई चीज़ मिली है, ये ब्रेक जो ये वायर जो क्रैक हुई है ना, ये पहले भी हुई है और ये ना एक कॉमन सी प्रॉब्लम है मेरे को वो लग रहा है इस बाइक में और इस जैसी जो और बाइक्स आ रही हैं उनमें भी। अगर नहीं आ रखी आप, आपके पास अगर ये बाइक है ना, अगर नहीं आ रखी तो शायद आ जाए। और क्या प्रॉब्लम है वो भी दिखा देता हूँ। ये रही अपनी बाइक और ये जो आप देख रहे हैं ना गाइज, ये वायर ये मैं पहले भी चेंज करवा चुका हूँ, बहुत बड़ा इशू है गाइज। ये देखिए गाइज, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें ना, ये क्रैक हो गई है। ये देखिए, दिख रहा है? ये देखिए, ये क्रैक हो गई है। तो अब मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्रैक तो आप देख ही चुके हैं ऑलरेडी, ये देखिए कितना बड़ा क्रैक है। और जब पहाड़ों में अगर मुझे कहीं मोड़नी पड़ी ना, तो ये बिल्कुल बैंड हो जा रही है अंदर से, अब यहाँ से नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, अगर नज़र आ रही है वो देखिए, तो ये चीज़ हो रही है और इसकी वजह से जो है ब्रेक नहीं लग रही है। तो ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ, बट लास्ट टाइम जो था वो वारंटी पीरियड में था, इसलिए जावा की तरफ से ये फ्री में जो है चेंज हो गई थी। इस बार पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा, अब वहीं जाके पता लगेगा। मैंने इनको कॉल की थी आज, कह रहे हैं आज तो हमारा ऑफिस बंद होने वाला है और कल है छुट्टी। वैसे कल भी ओपन होता है लेकिन उनके सारे स्लॉट्स बुक है, तो मंडे पे गई है बात। मंडे जाऊँगा सुबह सुबह ही, और वैसे ये घंटे दो घंटे का काम है या पता नहीं कितने एक देर का काम है, मंडे ये क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम। और मंडे आते ही मेरा जो बैग पैक जो मैंने कर रखा है लद्दाख के लिए, इस पर डाल दूंगा। और ट्यूसडे को अगर सही रहा तो मंडे को भी मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो फिर मॉर्निंग ट्यूसडे को मैं लद्दाख के लिए निकल जाऊंगा। और श्रीनगर से जा रहा हूँ, मनाली से जा रहा हूँ, वो मैं उसी दिन व्लॉग में अपडेट करूँगा। इसमें ना एक और प्रॉब्लम होगी, एक साउंड आ रही है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस, अभी आएगी साउंड, आएगी अभी मैं इसको आगे करूँगा ना तो साउंड आएगी काफ़ी। देख लिया आपने कैसी साउंड आ रही है यार, तो ऐसा लग रहा है ट्रेन आ रही है, पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, तो ऐसी कुछ साउंड है। तो ये यार, ये रिस्क हो सकता है अगर मैं लद्दाख ऐसे ले गया, तो ये करवाना बहुत ज़रूरी है ठीक। और ये करवाने के बाद ही मैं राइड पे निकलूँगा और काफ़ी बढ़िया राइड होने वाली है, क्योंकि मेरी शायद आगे जाके ना, इतना बता दूँ कि मैं शायद शहबाज जो मेरे साथ नेपाल में था, हम दोनों आगे राइड करेंगे और काफ़ी ऑफ रोडिंग और काफ़ी एडवेंचरस भरी राइड रहने वाली है, क्योंकि हमने कुछ प्लान कर रखा है बढ़िया। और हाँ, अगर कोई ले के लिए प्लानिंग कर रहा है, सोलो राइड है या ग्रुप में जाना चाहता है, फैमिली के साथ जाना चाहता है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि परमिट कैसे निकलवाया जाए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अगला क्लिप होगा ना, तो मैंने उस पर भी बना दिया निकलने से पहले कि मैंने परमिट कैसे ऑनलाइन निकलवाया है। मोबाइल से मैंने ये सब कुछ किया है, कंप्यूटर मोबाइल वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लिप जो अभी आप देखेंगे उसमें आपको सब मालूम हो जाएगा कि परमिट कैसे निकलवाया जाता है ऑनलाइन, क्योंकि बिना परमिट के आप ले में जो है घूम नहीं सकते कुछ प्लेसेस पे, जो वहाँ के काफ़ी सेंसिटिव एरियाज हैं। जैसे कि मेरा लास्ट टाइम चेक हुआ था हालने में, तुरतुक में, और भी 2-3 जगह पे हुआ था, तो ऐसा नहीं कि नहीं चेक होता, होता है। और एक वहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल भी आता है खारदुंगला पास से पहले, तो वहाँ भी चेक हुआ था। तो गाइस यही है आज के ब्लॉग में, क्योंकि मैं ब्लॉग क्या बनाना चाह रहा था और बन क्या रहा है आज जस्ट इस बाइक की वजह से। तो गाइस ये मैं इस वक्त अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, लैपटॉप जा चुका है मेरे बैग में जो कि पैक हो गया है, तो मोबाइल से ही बताऊँगा कि कैसे आप
लेह लद्दाख के लिए जो है परमिट ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है क्रोम पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज जैसे ये वेबसाइट आ जाएगी आपको टाइप करना है लेह लद्दाख परमिट, जैसे मैंने वहाँ ऊपर यहाँ टाइप कर रखा है। टाइप करने के बाद गाइज यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आएगी ना ये लेह डिस्ट्रिक्ट परमिट ट्रैकिंग सिस्टम, ये ऑफिशियल वेबसाइट है लेह लद्दाख के लिए, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो पहला ये एक पॉपअप सा आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और इसको क्रॉस कर दीजिएगा। क्रॉस करने के बाद जो पहला इंटरफेस आएगा ना गाइज वो ये आएगा, ठीक है, और इसमें आपको ये तीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है डोमेस्टिक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और ये पॉपअप सा आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है गाइज कि आप ऑनलाइन परमिट निकलवा सकते हैं, DM ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही आपको ऑनलाइन परमिट मिल जाएगा टूरिस्ट कैन विजिट द एरियाज डायरेक्टली आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है गाइज। और इसमें और कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, और अगर जब ये परमिट आपको मिलेगा ऑनलाइन तो आप PDF फाइल में भी रख सकते हैं, और इसकी हार्ड कॉपी भी साथ रखिएगा 3 या 4 पेजेस, बस इतना सही है। फिर इसको क्रॉस कर दीजिएगा, और ये फॉरनर्स के लिए है, अपने लिए नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा। और इसके बाद ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, स्टेट, स्टेट में आप जिस स्टेट में रहते हैं, ID टाइप में आपको गाइस ये चारों में से कोई भी ID सेलेक्ट करनी है, ज़्यादातर आधार कार्ड ही सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद ID नंबर मांगेगा, जो आधार कार्ड का जो ID नंबर होगा ना गाइस वो आपको फिल करना है इसमें। और फिल करने के बाद और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस के बाद पेमेंट थ्रू लिखा हुआ है, आपको डायरेक्टली पे क्लिक करना। अगर आप एजेंट के थ्रू ये परमिट निकलवा रहे हैं तो वहाँ पे क्लिक आएगा, अगर आप मेरी तरह अकेले हैं और घर पे बैठे या कहीं भी बैठे हुए हैं तो डायरेक्टली पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपकी जर्नी कब स्टार्ट हो रही है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया 5 तारीख, ठीक है, और तो नहीं कुछ रह गया इसमें, बस ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक कीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं डिटेल अभी फिल कर लेता हूँ। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, अब मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप सा आएगा, अगर आप अकेले सोलो राइड मेरी तरह जा रहे हैं तो पहली वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप फैमिली में या ग्रुप पे जा रहे हैं ऑनलाइन परमिट के लिए सेकेंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो मैं हूँ फिलहाल अकेला सोलो राइड कर रहा हूँ, तो मैं पहले पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस नज़र आएंगी लद्दाख के अंदर जो है। तो गाइज इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी आपको ये खाली बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं सब पे क्लिक कर दीजिएगा। तो लद्दाख है ही इतना बड़ा और इतना खूबसूरत, आपका कहाँ मन कर जाए जाने का कुछ कह नहीं सकता कोई। तो एक काम कीजिएगा, सभी बॉक्सेस पे जो है टिक कर दीजिएगा। लास्ट टाइम जब मैं सोलो राइड गया था और फर्स्ट टाइम गया था मैंने सब पे टिक कर दिया था। और एक ये ग्रुप आईडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, इस पर आपकी डिटेल आ जाएगी। वैसे तो ये मेरी डिटेल जो है मैंने अभी डेमो पर्पज़ से भरी है, सिर्फ नाम मेरा ठीक है, बाकी सब ऐसे ही भरा है मैंने। और यहाँ पे आपकी जर्नी कब शुरू हो रही है यह आप भर दीजिएगा, आप डिपार्चर मतलब वहाँ से कब वापस आएंगे। तो जैसे मैं 25 कहूँगा तो मैंने 25 भर दिया। यहाँ पे डू यू विश टू मेक कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ड्स रेड क्रॉस फंड 50 रुपीज़ पर पर्सन, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं नो करके नेक्स्ट कर दूंगा। और ये एक पॉपअप आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिएगा और एक्सेप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, बस इतनी सी फॉर्मेलिटी है गाइस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये आपको दिखाएगा जो जो आपने क्लिक की थी वो सारों के नाम आ जाएंगे, जहाँ जहाँ आपको अलाउ किया गया है इस परमिट के साथ आप एंटर कर सकते हैं सेंसिटिव एरियाज में भी। तो यहाँ पे आपको ये डेट ऑफ बिगनिंग आपकी और डिपार्चर डेट भी दिखा रहा है, ये ग्रुप आईडी दिखा देगा, आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, कौन सी स्टेट से हैं आप वो सब मेंशन है इस पे। और ये देख लीजिए ये फ़ीस है, वाइल्ड लाइफ फ़ीस 380, इन्वायरमेंट फ़ीस 400, रेड क्रॉस फंड मैंने क्लिक नहीं किया था इसलिए 0। तो टोटल जो है 20-22 दिनों का जो खर्चा आया है वो 780 रुपीज़ आया परमिट बनाने में लेह लद्दाख के लिए। और ये सब देखने के बाद गाइस लास्ट में पे नाउ पे एक क्लिक कर दीजिएगा। ये सारा प्रोसेस मैं कर चुका हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। और ये चार ऑप्शंस आती हैं गाइस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो जैसे ही आप UPI पे क्लिक करेंगे ना तो ये शो कर देगा आपको कितनी अमाउंट करनी है, 780 रुपीज़। और बाकी जो डिटेल आप देख रहे हैं ये तो आपकी अपनी पर्सनल होगी, बस पे नाउ कीजिएगा। पे नाउ करने के बाद आपका जो
आपका जो पीडीएफ फाइल है, सॉरी परमिट है, वो पीडीएफ फाइल में आ जाएगी आपके जीमेल में। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने मोबाइल में भी रख लीजिएगा, उसकी तीन चार जो कॉपीज हैं वो भी अपने साथ रख लीजिएगा। तो देख लिया गाइस किस तरह से परमिट निकलवा सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है, अब डीसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस ब्लॉग में बस इतना ही है गाइस, और दुआ कीजिएगा लद्दाख राइड मेरी जल्दी से स्टार्ट हो जाए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिले। और जो इस चैनल पे अगर कोई नया आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है मेरे लाइक एंड शेयर करते रहे। तो करता हूँ इस ब्लॉग का यहीं एंड, और मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।